अच्छा, या मैं आपको एक बात बताना चाहती थी फ्रीक्वेंसी के बारे में। वो ये कहते हैं कि जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी रिजोल्यूशन पावर भी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जो उसका सुपरफिशियल एरिया से अगर हम डेप्थ देखेंगे तो वो फिर उतना ज़्यादा वो नहीं हो सकता। बस आसान लफ्ज़ों में ये है कि अगर आपने कोई एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो उसके लिए इतनी फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज़ होती है, लेकिन अगर आपने कोई सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो फिर आपको फ्रीक्वेंसी 10 to 15 MHz तक बढ़ानी पड़ेगी। यानी जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए और जो डीपर स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो कम चाहिए। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जैसे कि मसल हैं, ब्रेस्ट हैं, टेस्टीज हैं, उनके लिए आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए है, लेकिन एब्डोमिनल पोर्शन के लिए आप फ्रीक्वेंसी जो है वो कम यूज़ कर सकते हैं या कम यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद अब आ जाती है हमारे पास सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा स्कैन कहते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो आपके पास बीटा स्कैन है इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि इसको यूज़ किया जाता है फॉर आई, ठीक है। नंबर टू हमारे पास क्या आ जाता है, बीटा स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी है, या नंबर वन यही है, बीटा स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी को यूज़ किया जाता है आई के अंदर देखने के लिए, और इसमें तकरीबन 10 to 15 MHz फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही होती है, क्योंकि ये सुपरफिशियल है ज़रा, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यूज़ होती है। और मैंने इसका प्रोसीजर आपको तस्वीर में दिखा भी दिया है। इसमें मोस्टली क्या किया जाता है, पेशेंट की जो आई है उसको क्लोज़ किया जाएगा, उसके ऊपर जेल अप्लाई होती है, और फिर जो आपका ट्रांसड्यूसर प्रोब होता है वो ऐसे आँख बंद करके उसके लिड के ऊपर रखा जाता है, तो इमेज हमें मिल जाती है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि आई के अंदर आप क्या देखना चाह रहे होते हो, आई के अंदर कोई भी रेटिनल या कोरोइडल डी अटैचमेंट, उसके अलावा अगर हम कोई भी विट्रस हेमरेज देखना चाहते हैं, या इंट्रा ऑर्बिटल ट्यूमर अगर देखना चाहते हैं, या इवन प्रोप्टोसिस वगैरह है, तो उसके लिए भी आप इस बीटा स्कैन को यूज़ कर सकते हो। बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट है, ठीक है। अब एक बात आपके बुक में की हुई है, या नहीं करनी चाहिए थी लेकिन की हुई है तो बता देती हूँ मैं। उसने कहा सॉरी, उसने कहा कि जो आपने याद रखना है, एयर और फ्लूइड है ना, एयर और फ्लूइड का ये नुकसान है कि ये अल्ट्रासाउंड वेव्स को क्या करता है, एयर और फ्लूइड सारे का सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है तो रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं करता, रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं करता तो इमेज ही नहीं बनती। इसका मतलब है जहाँ जहाँ एयर है, जहाँ जहाँ एयर है और जहाँ जहाँ सॉरी कैल्शियम है, वहाँ पे आपका ये जो अल्ट्रासाउंड है वो यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। जहाँ पे कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बोन्स हैं, वहाँ ये अल्ट्रासाउंड यूज़ नहीं हो सकता। इसीलिए बेटे क्या कभी आपने सुना है कि लंग्स का अल्ट्रासाउंड कर दें, लंग्स का हमेशा एक्सरे किया जाता है, क्योंकि लंग्स में एयर होती है, और अगर हमने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया तो एयर तो सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी तरह जब भी किसी पेशेंट का फ्रैक्चर होता है तो आपने पढ़ा है कि फ्रैक्चर के लिए अल्ट्रासाउंड करें, नहीं, फ्रैक्चर के लिए भी हमेशा क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, और आपकी लंग्स को या जितनी भी एयर कंटेनिंग रीजन्स हैं उनको देखने के लिए भी एक्सरे किया जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड की दो लिमिटेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए, एयर कंटेनिंग और जो बोनी पोर्शन है, जो कैल्शियम कंटेनिंग पोर्शन है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू दीज बोथ, फ्लूइड जो है वो बड़ा अच्छा कंडक्टर है अल्ट्रासोनिक वेव्स का, इसलिए फ्लूइड कंटेनिंग स्ट्रक्चर जैसे फॉर एग्जांपल ब्लडर हो गया, फॉर एग्जांपल KUB हो गया, फॉर एग्जांपल बिलरी सिस्टम हो गया, फॉर एग्जांपल सिस्ट्स हो गई, तो उनको देखने के लिए हमेशा अल्ट्रासाउंड को प्रेफर किया जाता है, ठीक है, आसान सी बात। अब उन्होंने थोड़ी सी जी बात जो है वो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की कर दी। उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड की एक बड़ी अच्छी मोडालिटी ये है कि अब बहुत स्मॉल अल्ट्रासाउंड आ गया, और इस स्मॉल अल्ट्रासाउंड प्रोब को अटैच किया जाता है विद एंडोस्कोप, और जो भी हमारा डिज़ायर्ड स्ट्रक्चर है वहाँ तक जाएगा और हम इसको देख लेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया भाई, फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड कंसीडर होता है फॉर ईसोफेजियल ट्यूमर। इसी तरह अगर वो इसको यूज़ करें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड को, तो पेनक्रियाटिक लीजन्स को देख भी सकते हैं, पेनक्रियाटिक लीजन की FNAC भी इसकी मदद से हासिल की जा सकती है, ठीक है। इसी तरह उसने कहा कि अगर ये रेक्टल प्रोब होगा तो रेक्टल प्रोब की मदद से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं प्रोस्टेट को, ठीक है। और अगर ये वजाइनल प्रोब हुआ तो उसकी मदद से हम पेल्विक और गायनेकोलॉजिकल जो भी मसले हैं उनको भी देखा जा सकता है, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड की ही एक और मोडालिटी है जिसको एको कहते हैं। एको भी अल्ट्रासाउंड प्रिंसिपल पे काम करता है, और उसका मेन काम क्या होता है, हार्ट के सारे चैम्बर्स और हार्ट की एनाटमी देखना, ठीक है बेटे। और मुझे पता आप लोग परेशान हो गए होंगे, बट लास्ट इज़ द डॉपलर अल्ट्रासाउंड, और डॉपलर अल्ट्रासाउंड की ये सिग्निफिकेंस या डॉपलर अल्ट्रासाउंड का ये फ़ायदा होता है कि इसकी वजह से हम ब्लड के अंदर जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं प्लाज्मा में उनका अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर ये ब्लड है और यहाँ पे क्या प्लाज्मा है और यहाँ आरबीसीज हैं, तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि रेज अंदर जाती हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती हैं। अब जब ब्लड वेव्स अंदर जाती हैं और टकरा के वापस आती हैं, तो फ्रिक्वेंसी में जो चेंज आता है, फॉर एग्जांपल पहले इनकी फ्रिक्वेंसी जी 10 थी, अगर ये हाईली स्पीडली मूव कर रहा हुआ और ज़्यादा हुआ, तो इसकी वापसी की फ्रिक्वेंसी 30 जी से टकरा के कम हो जाती है, 5 हो जाएगी या लेट्स सपोज 4 हो जाएगी, तो इसमें डिफरेंस तकरीबन 6 का आ गया। तो ये जो फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है ना, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं मूवमेंट का और स्पीड वगैरह का और उनकी डायरेक्शन का, ठीक है। बाकी बहुत डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है वो चेंज इन फ्रिक्वेंसी के प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, ठीक है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड और इसी का आगे एक और मोडालिटी है डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड, इनको यूज़ करके हम वैस्कुलर फ्लो स्टडी कर रहे होते हैं फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, फॉर वेरिकोज वेन्स, ठीक है। तो ये आपने अब याद रखना है। अब आखिरी चीज़ है अल्ट्रासाउंड की लिमिटेशंस, वो बता के भी मैं आपको सारा रिवाइज करा देती हूँ। लिमिटेशंस आपने इतनी ही याद रखनी है कि नंबर वन तो ये कि अल्ट्रासाउंड किसी भी एयर कंटेनिंग कैविटी में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसी तरह बोन्स के अंदर भी ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो आइडियल नहीं है ऐसी चीज़ों को इमेज करने के लिए जहाँ पे एयर है। अब एयर जो है वो आपको पता है कहाँ है, लंग्स में होती है, बाउल में होती है, और बोन्स तो आपको पता है पूरी बॉडी में ही हैं, ठीक है। उसके अलावा थर्ड आपने याद रखना है कि वो लोग जो थोड़े ओबीज होते हैं उनमें भी अल्ट्रासाउंड के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर जो थोड़ा पीछे पड़े हुए हैं डाइक पैनक्रियाज वगैरह, उनके अंदर भी हमें अल्ट्रासाउंड से इतना अच्छा नज़र नहीं आता, लाइक डीपर स्ट्रक्चर्स को ये नहीं देख सकेगा। सो दिस इज़ इट, ये इसके क्या हैं लिमिटेशंस हैं। अब मैं आपको आपके पेपर के वाइज जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ कि हमने यहाँ तक क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अल्ट्रासाउंड एक इमेजिंग मोडालिटी है, उसके एडवांटेज ये हैं कि ये पेनलेस है, चीपर है, नॉन इन्वेसिव है, फॉरन रिपोर्ट मिल जाती है और ये सब कुछ, ठीक है। और बाकी से रेट नहीं करना पड़ता, कोई पेशेंट को इतना मसला नहीं होता। नुकसान ये है कि जी थोड़ी बहुत ऑपरेटर डिपेंडेंट है, और उसके बाद फिर हमने कहा कि उसको उसी टाइम इंटरप्रेट किया जा सकता है, और कुछ इसके रिजोल्यूशन प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आपको इसके बेटे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पेपर में पूछते हैं, ठीक है। नंबर टू, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया है कि जी प्रोब से रेज अंदर जाती हैं, टकरा के वापस आती हैं, एको कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल और वो इमेजेस में और इमेज आपको नज़र आ जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद बीटा स्कैन की बात हुई है, जो कि किसके लिए यूज़ होता है, फॉर आई, और आई के क्या क्या मसले हम उससे देखते हैं, रेटिनल हेमरेज है, विट्रस हेमरेज है, और उसके बाद रेटिनल रीअटैचमेंट है, इंफ्रा ऑर्बिटल ट्यूमर है। बीटा स्कैन के बाद बात हुई एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की, कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर ईसोफेजियल ट्यूमर, और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के साथ ही हमने बात की है एको की, कि उसको यूज़ किया जाता है हार्ट के चैम्बर्स देखने के लिए, ठीक है। और लास्टली जी डॉपलर अल्ट्रासाउंड, डॉपलर अल्ट्रासाउंड वैस्कुलर फ्लो देखने के लिए यूज़ होता है, उसका प्रिंसिपल बताया है चेंज इन फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होता है। और लास्टली आपको बताई हैं लिमिटेशन, लिमिटेशन आपने चारों याद रखनी है कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। एयर कंटेनिंग रीजन्स में नहीं यूज़ हो सकता, बोनी पोर्शंस नहीं दिखा सकता, जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं वो भी नहीं दिखाता, और ओबीज में भी इतना हेल्पफुल नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर अल्ट्रासाउंड। इसके बाद इंशाल्लाह अब हम बात करेंगे एक्सरे और बेरियम स्टडीज़ की। इस हाँ तक कोई कंसर्न, कोई मसला, कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। इतना बेटे अगर आपको पता है और तस्वीरें हैं आपके जहन में जो हमने स्टार्टिंग में देखी, मोर देन इनफ है।